तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें, फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दे। या दोस्तों पहली खबर में आपको बता दे कि कर्नाटक में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। कर्नाटक में पैगम्बर मोहम्मद साहब का अपमान करने पर भाजपा नेता की हत्या, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस्तीफे का किया ऐलान, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की विश्व हिंदू परिषद ने मुसलमानों को हिंदू बनाने के लिए देश में अभियान चलाने का किया ऐलान, बोले 5 लाख मुसलमानों को बनाना है हिंदू। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा राजा ने महंगाई पर सवाल पूछने वाले 23 सांसदों को करवाया निलंबित। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पत्रकार मोहम्मद जुबेर ने मांगा अपना फोन और लैपटॉप, हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा 4 हफ्ते में दे जवाब कि जुबेर का लैपटॉप और फोन है कहां। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ममता बनर्जी ने मीडिया पर बोला हमला, कहा कंगारू कोर्ट चला रहा है मीडिया, 2024 में भाजपा हारेगी चुनाव। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कांग्रेस नेताओं के साथ मारपीट करने वाले पुलिस कर्मियों पर होगी कार्रवाई, दिल्ली पुलिस ने लिया संज्ञान। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक से बीजेपी को लगा बड़ा झटका। पैगम्बर मोहम्मद साहब पर वाद टिप्पणी करने वाले बीजेपी नेता की कर्नाटक में कुल्हाड़ी से हुई हत्या, भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा देने का किया ऐलान, मोदी अमित शाह को झटका। जय दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की पैगम्बर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी को लेकर कर्नाटक में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि कर्नाटक के मंगलुरु में पैगम्बर मोहम्मद साहब का अवरोध करने पर भाजपा युवा मोर्चा के जिला सचिव पृथ्वी निटारू की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई है। वही आपको बता दें कि हत्या के बाद अब सरकार के विरोध में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भी उतर आए हैं। भाजपा कार्यकर्ता पृथ्वी निटारू की हत्या के बाद भाजपा युवा मोर्चा के सदस्यों ने कर्नाटक के कई हिस्सों में इस्तीफा देने का अभियान शुरू कर दिया, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आए दिन होने वाले हमले के विरोध में कर्नाटक में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत जो है बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने साफ तौर से ऐलान किया है कि हमारी सरकार कर्नाटक में होने के बावजूद हमारी रक्षा नहीं हो पा रही, इसलिए हम किसी भी कीमत पर बीजेपी में नहीं रहेंगे। और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफा देने का ऐलान किया, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की कार को भी बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने घेरा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, बड़ा झटका कर्नाटक में भाजपा को आज लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो विश्व हिंदू परिषद ने मुसलमानों को हिंदू बनाने के लिए अभियान चलाने का किया ऐलान, 5 लोगों को जोड़ने का किया दावा। यह दोस्तों आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद ने ऐसे लोगों की घर वापसी के लिए अभियान चलाने का ऐलान किया है जिसके पूर्वज हिंदू थे। दरअसल आपको बता दें कि संगम नगरी प्रयागराज में पिछले दिनों हुए 2 दिवसीय बैठक में इसका फैसला विश्व हिंदू परिषद ने किया। बैठक में तय हुआ है कि जो लोग हिंदू धर्म छोड़कर मुसलमान भारत में बन गए हैं, उनके संपर्क कर मूल धर्म के प्रति उनकी आस्था जागृत की जाए और उन्हें फिर से मुसलमान से हिंदू बनाया जाए और उनकी घर वापसी के लिए अभियान देश में चलाया जाए। बैठक में विश्व हिंदू परिषद ने धर्मांतरण को रोकने के लिए संगठन के कार्यकर्ताओं को घर घर तक पहुंचने का भी आदेश दिया है। विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि लगातार मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को झूठा जाल में फंसाकर उनका धर्मांतरण करा रहे हैं, उन्हें मुसलमान बना रहे हैं। इस चीज से बचने के लिए विश्व हिंदू परिषद घर घर तक जाए और लोगों को समझाए कि वह अपनी लड़कियों का धर्मांतरण रोके। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि विश्व हिंदू परिषद किस तरह से खुलेआम गुंडागर्दी देश में करा, लेकिन बीजेपी इन पर कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लोकसभा में विपक्ष ने की कांग्रेस के 4 सांसदों का निलंबन वापस लेने की मांग, सरकार बोली पहले दे गारंटी। यह दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा में विपक्ष ने बुधवार को कांग्रेस के 4 सांसदों का निलंबन रद्द करने की मांग की। इस पर सरकार ने जोर देकर कहा कि इसे वापस लिया जा सकता है, वो शर्ते विपक्षी सदस्य ये आश्वासन दे कि वे सदन में बेल में प्रवेश नहीं करेंगे और तकिया नहीं दिखाएंगे। ये मांग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी TMC और द्रविड़ मुन्नेत्र कर्नाटक ने की है। कांग्रेस के सदस्य सदन में मौजूद नहीं थे। जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग के खिलाफ विजय चौक पर विरोध प्रदर्शन करने के बाद कई कांग्रेस सांसदों को हिरासत में भी लिया गया था। तो यह बड़ी अपडेट आ रही थी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी का केंद्र की मोदी सरकार पर हमला, कहा राजा ने महंगाई पर सवाल पूछने वाले 23 सांसदों को करवाया निलंबित। यह दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने महंगाई एवं बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर परोक्ष रूप से निशाना साधा और आरोप लगाया कि जिन विषय पर सवाल करने के कारण राजा ने 57 सांसदों को गिरफ्तार और 23 सांसदों को निलंबित करवा दिया है। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि सिलेंडर 1053 रुपये क्यों, दही अनाज पर GST क्यों, सरसों का तेल 200 रुपये क्यों, महंगाई और बेरोजगारी पर सवाल पूछने के अपराध में राजा ने यानी प्रधानमंत्री मोदी ने 57 सांसदों को गिरफ्तार और 23 सांसदों को निलंबित किया है।
राहुल गांधी ने दावा किया है कि राजा को लोकतंत्र के मंदिर में सवाल से डर लगता है, पर तानाशाहों से लड़ना हमें बखूबी आता है। कांग्रेस नेता ने ईडी द्वारा सोनिया गांधी से पूछताछ का विरोध कर रहे पार्टी सांसदों को हिरासत में लिए जाने तथा संसद के दोनों सदनों में महंगाई एवं जीएसटी पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा करने वाले 20 से अधिक सांसदों के निलंबन का हवाला दिया और मोदी सरकार पर सवाल उठाए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आरोप, कहा गंगा एक्सप्रेसवे के नाम पर हो रहा है किसानों का उत्पीड़न। जदयू साहब को दादी की समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि नेता मंत्री व अधिकारी ऊपर से नीचे तक सभी भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। घूस के रेट हर विभाग में निश्चित हैं, हर फाइल में भ्रष्टाचार शामिल है और यही भाजपा का रामराज है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को जारी बयान में आगे कहा कि गोरखपुर वास गांव में भाजपा सांसद के ऊपर बुजुर्ग अधिवक्ता की जमीन पर कब्जा करने के आरोप लग रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे के नाम पर किसानों का उत्पीड़न एवं भ्रष्टाचार चरम पर है। भाजपा सरकार में किसानों की जमीन का बैनामा कराए बगैर ही एक्सप्रेसवे के नाम पर काम शुरू करवा दिया गया। सरकार लगातार तानाशाही कर रही है और गलत चीजें बना रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, अखिलेश यादव ने ये बड़ी बातें आज कही हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पत्रकार मोहम्मद जुबेर ने मांगा अपना फोन और लैपटॉप, हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से 4 हफ्ते में जवाब देने के लिए बोला। या दोस्तों आपको बता दें कि अल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबेर ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर अपने फोन लैपटॉप सहित अन्य दस्तावेजों को वापस करने की मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि 2018 में के हिंदू देवता पर किए गए कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से संबंधित एक मामले में दिल्ली पुलिस ने जुबेर के यहाँ से फोन लैपटॉप सहित कुछ दस्तावेज जब्त किए थे। अब याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुलिस को 4 हफ्ते का समय दिया है। कोर्ट ने जुबेर की गिरफ्तारी और तलाशी तथा जब्ती कवायद के खिलाफ याचिका पर जवाब देने के लिए दिल्ली पुलिस को बुधवार को 4 हफ्ते का समय दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील बृंदा ग्रोवर ने उच्च न्यायालय को सूचित किया कि निचली अदालत ने उन्हें इस महीने की शुरुआत में जमानत दे दी थी और उन्होंने पीठ से याचिका में किए गए अनुरोधों पर उन्हें राहत देने का आग्रह किया। दिल्ली पुलिस के वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए न्यायमूर्ति पुरुषचंद्र कुमार कौर को भी जो है जवाब देने के लिए कहा था। अब देखते हैं कि दोस्तों दिल्ली पुलिस में क्या जवाब देती है, दिल्ली पुलिस जुबेर का लैपटॉप फोन देती है वापस या फिर नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मीडिया पर भड़की ममता बनर्जी, बोली कंगारू कोर्ट चला रहा है मीडिया, 2024 में भाजपा सत्ता में नहीं लौटेगी। दोस्तों आपको बताने की बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी की ईडी की ओर से गिरफ्तारी पर ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हमला बोला। ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं किसी एजेंसी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन इसका इस्तेमाल राजनीतिक दलों को बदनाम करने के लिए नहीं होना चाहिए। ममता बनर्जी ने बुधवार को मीडिया पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि मीडिया कंगारू कोर्ट की तरह काम कर रही है, हम मीडिया ट्रायल के खिलाफ है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि आप लोग भरोसा रखिए भाजपा 2024 में सत्ता में वापस नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि अदालत में जो भी दोषी पाए जाए उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक दलों की छवि खराब करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, ममता बनर्जी ने ये बड़ा हमला बीजेपी सरकार पर बोला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पंजाब में बीते 3 महीने में दूसरी बार मंदिर में तोड़फोड़ का मामला आया सामने। जब दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब में बेअदबी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, ऐसा ही एक मामला लुधियाना के ग्यासपुरा के सुंदर नगर इलाके से सामने आया है, जहां एक युवक ने ईंट मारकर भगवान शनिदेव की मूर्ति को तोड़ दिया है, जिसके बाद वहां पर माहौल तनावपूर्ण हो गया है। जब इलाके के लोगों को इसका पता चला तो पूरे इलाके में रोष फैल गया। जैसे ही आरोपी घटना को अंजाम देकर भाग रहा था तो लोगों ने उसे काबू कर लिया और पुलिस के हवाले कर दिया है। ये सारी घटना पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हो गई है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, इससे पहले भी जो है पंजाब में कई मंदिरों में तोड़फोड़ की गई थी, कई मंदिरों में तोड़फोड़ के बाद उसे खंडित किया गया था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली में कांग्रेस नेताओं के साथ मारपीट करने वाले पुलिस कर्मियों पर होगी कार्रवाई, दिल्ली पुलिस ने लिया संज्ञान। जब दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस नेताओं के साथ मारपीट करने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी। मंगलवार को ईडी के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं और पुलिस के बीच दिल्ली में झड़प के वीडियो सामने आए थे और वीडियो सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस ने यह कदम उठाया है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं एवं सांसदों ने सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन किया था, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया था। इस दौरान दिल्ली के कई हिस्सों में दिल्ली पुलिस और पार्टी नेताओं के बीच झड़पें हुई। अकबर रोड और विजय चौक पर भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीबी सहित कई कांग्रेस नेताओं के साथ कथित तौर पर पुलिस ने हाथापाई की। इस दौरान का एक वीडियो सामने आया जिसमें दिल्ली पुलिस के कर्मी श्रीनिवास के बाल खींचते हुए व पुलिस की गाड़ी में धक्का देते दिख रहे हैं। श्रीनिवास पर हमले का विरोध करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कार में ढकेल दिया जाता है। बाद में पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। मैं आपको बता दें कि उनके ये वीडियो अब जो है कांग्रेस पार्टी सहित दिल्ली पुलिस पर पहुंच गए और इस वीडियो
के सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस ने उन पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करने का कांग्रेस को भरोसा दिया है जिन लोगों ने कांग्रेस नेताओं के साथ मारपीट की है।